नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ, रविवार बन रहा है शुभ संयोग, महापुण्य कमाने का सुनहरी मौका। अखिल भारतीय श्री चैतन्य मठ के वर्तमान एकादशी व्रत आदि भक्ति साधनाओं का असली उद्देश्य राज सुंदर स्त्री या सुंदर पति अथवा आज्ञाकारी पुत्र प्राप्त करना नहीं है। एकादशी व्रत का असली उद्देश्य तो भगवान श्री हरि की अद्वैत भक्ति प्राप्त करना है, जो कि हर प्राणी का सर्वोत्तम मकसद है। भगवान से भगवान की सेवा मांगने से जीव का जीवन व उसकी एकादशी व्रत आदि करने की साधना परिपूर्ण रूप में सफल होती है। एकादशी व्रत के प्रसंगों में अष्ट द्वादशी व्रत कथा को विशेष भाव से जानना चाहिए। ब्रह्मवीरत पुराण के अनुसार उन मिलिनी व्यंजुली त्रिस्पर्शा पक्ष वर्धनी जया विजया जयंती व पापनाशिनी ये 8 महा द्वादशी महापूर्ण स्वरूपिणी व सर्व पापहारिणी हैं। इनमें से पहली 4 तिथियों के अनुसार व बाद की 4 नक्षत्र योग के अनुसार घटित होती है। जैसे द्वादशी तिथि में जब 2 सूर्योदय आ जाएं तो व्यंजली महाद्वादशी कहलाती है। इसी प्रकार अगर अमावस्या अथवा पूर्णिमा में 2 सूर्योदय आ जाएं तो वह पक्ष वर्धनी महाद्वादशी कहलाती है। जब इन 8 महाद्वादशियों में से कोई भी आती है तो भक्त लोग इस तिथि को अधिक महत्व देते हुए इसका सम्मान करते हैं। आज 25 दिसंबर रविवार को व्यंजली महाद्वादशी का शुभ संयोग बन रहा है। जब एकादशी वृद्धि ना पाए परंतु द्वादशी वृद्धि पाए तब यह व्यंजली महाद्वादशी कहलाती है। यह महाद्वादशी संपूर्ण पापों का नाश कर देती है। शुद्ध भक्तगण अपनी इंद्रियों की इच्छा पूर्ति की इच्छा ना करके श्री कृष्ण की प्रसन्नता व श्री कृष्ण की इच्छा को पूरा करने के लिए व शुद्ध भक्ति के प्रेम फल की प्राप्ति के लिए यह व्रत करेंगे। इन अष्ट द्वादशी व्रत की उपस्थित होने पर शुद्ध भक्तगण एकादशी उपवास न कर इन सब महाद्वादशी व्रत का ही पालन करेंगे। इस व्रत का पालन करने से ही एकादशी का सही व्रत होता है व श्रीहरि प्रसन्न होते हैं। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।